दोस्तों, जब सुशील कुमार पहलवानी करते थे और अखाड़े में लड़ते थे तो पूरा देश गौरवान्वित होता था, क्योंकि वो जीत कर हमेशा ही देश का सर ऊंचा करते थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने कांड किया है सागर के साथ, वो बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाला है। उससे भी ज़्यादा शर्मसार करने वाला है कि वो ये सब करने के बाद छुपते छुपते नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या सचमुच उन्होंने 4 मई की रात को वो बड़ा कांड में अपना योगदान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें आज पुलिस के हाथों से बचना पड़ रहा है? लेकिन दोस्तों, ये सब तो बात की बात है। आपको बताते हैं सुशील कुमार से जुड़ी कुछ रोचक फैक्ट्स और उनकी लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ में सुशील कुमार 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड जीतकर सुर्खियों में आए थे। उन्होंने महज 1 मिनट 20 सेकंड में फाइनल मुकाबला जीत लिया और भारत देश का नाम रोशन किया था। साउथ अफ्रीका के जोहान्स बोथा के खिलाफ 80 सेकंड में 10 अंक हासिल भी करे थे। सुशील भारत के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते। बता दें कि सुशील के करियर की तरह उनकी लाइफ भी काफ़ी चैलेंजिंग रही थी। लेकिन सुशील का जन्म 26 मई 1983 को नजफगढ़ के पास बारपोला गाँव में हुआ। उन्होंने 14 साल की उम्र से ही पहलवानी शुरू कर दी। उनके पिता DTC में ड्राइवर थे। इतनी जद्दोजहद के बाद फिर भी उन्होंने सुशील को पहलवान बनाना सही समझा। सुशील खुद भारतीय रेलवे में असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर हैं अब, क्योंकि खेल कोटा से उनका ये सिलेक्शन हुआ। पद्म भूषण, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार जैसे महान पुरस्कारों से सम्मानित विजेता महाबली सतपाल से पहलवानी के गुण सीखने वाले सुशील ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत कर देश का नाम रोशन किया था। लेकिन इनकी लव स्टोरी की बात करें दोस्तों, तो इनको अपने ही गुरु यानी कि महाबली सतपाल से पहलवानी की गुण सीखने के साथ साथ उनकी बेटी से ही शादी का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, सुशील रोज उनके घर जाते थे। सुशील की उन्हीं की बेटी शावी से शादी हुई थी। लेकिन इन सब मामलों में चौंकाने वाली बात यह थी कि सुशील रोज उनके घर आना जाना होता था, लेकिन कभी भी उनकी बेटी से मुलाकात नहीं हुई थी। पर चौंकाने वाली बात यह निकल के सामने आई कि सुशील ने शादी से पहले अपनी गुरु की बेटी को देखा तक नहीं था। सुशील काफी शर्मीले मिजाज के थे, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब सगाई के दौरान उन्होंने सावी को पहली बार देखा तो वो समझ गए कि इन दोनों की बहुत अच्छी जमने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सावी और सुशील की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन जिस प्रकार से सुशील अब बसते बसते नजर आ रहे हैं, ये अलग ही मसला बन चुका है। क्योंकि सागर को तो अपने घर वालों ने खो दिया है, यानी कि सागर अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें सुशील कुमार की तो वो भी अपने घर वालों के लिए नहीं रहे। एक तरीके से यही कहा जा सकता है, क्योंकि सुशील कुमार अब लगातार बचते नजर आ रहे हैं। अगर वो बचेंगे तो ये बात तो तय है कि अपने परिवार वालों से दूर रहेंगे, और अगर सबके सामने आ भी जाते हैं तो जो कांड उन्होंने किया है उसके लिए उनकी सजा जेल की सलाखों के पीछे ही मिलनी है। ये बात पुलिस ने साफ कर दी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।